दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो बहुत हद तक काम करता है, कंप्लीट नहीं है, इसको मैं बना रहा हूँ और साथ साथ में आप लोग को बता भी रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छा से देखिएगा। इसमें मैंने क्या क्या लिया है इसको बोलने से पहले मैं थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैंने ये तेल में तमा का प्लेट को डाल के मैंने ये तेल के साथ में पकाया था। तो देखिए ये है, इसको देखिए, ये देखिए मैंने इसमें डाल के इसको पकाया था। और ये कंप्लीट नहीं है, इसको मैं बना ही रहा हूँ, इसको बनाने में टाइम लगेगा। इसमें कम से कम 1.5 लीटर जड़ी बूटी का रस पिलाना है, उसका बाद इसका तेल दोबारा बनाना है। ये तो तेल नहीं है, ये तो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी है, इसी टाइप का तेल बनेगा। ये तेल को तांबा का प्लेट में लगा के गरम करने से हो जाएगा। तो मैंने तो बनाते समय इसमें तांबा का प्लेट डाल दिया था, जो मेरे पास ये सब जो तांबा का प्लेट था पहले वाला वीडियो में मैंने दिखाया था। इसको थोड़ा मैंने क्या किया है, ऐसे टाइप का एक प्लेट लेके उसको मैंने नाइट्रिक एसिड में डाल दिया, डाल के स्लिप डाला और उठा लिया साफ़ होने के लिए, कालिक साफ़ होने के लिए। उसका बाद उसको पानी से धो के मैंने ये जो लाल रंग का तेल दिखाई दे रहा है इसमें मैंने डाल दिया था। तो अब ये इस टाइप का वो है। सुनिए मैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें आपका सब बराबर वजन का है, जैसे 50 ग्राम का ले रहा है तो सब 50 ग्राम, मैंने तो 50 ग्राम का लिया नहीं है, इसमें 10-15 ग्राम का होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, यह जो लाल फिटिकरी होता है, और लाल फिटिकरी लिया है, लाल कशिश लिया है और गंधक लिया है। मैंने जो गंधक बनाया था वो गंधक लिया है, ये जो गंधक है ये गंधक लिया है इसी में। और इसको जड़ी बूटी से पका रहा हूँ, पका के 1.5 लीटर जड़ी बूटी का रस इसमें मैं उड़ा दूँगा। उड़ाने के बाद ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन को पूरा मैं सुखा लूँगा। सुखाने के बाद ऐसा तिरछा करके रख दूँगा, तब तो तेल बनेगा, वो तेल इसमें काम आएगा, जो मैंने ये तांबा का प्लेट को वो किया है इसमें आपका काम आएगा। और सुनिए, जो मैंने चांदी का फॉर्मूला डाला था वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये देखिए इसी में है, इसको मैं बुझावा दे ही रहा हूँ। ये देखिए इसी में लगा हुआ है, इसको 21 बार बुझावा देना है, जो अभी भी कंप्लीट नहीं है। बुझावा मैं दे रहा हूँ, बुझावा देने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका दोबारा से मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं शिव गोत्र का आदमी हूँ, शंकर भगवान का गोत्र का आदमी हूँ। अभी अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो थोड़ा बाद में मैं ठंडा हो जाता हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ छुपाता भी नहीं हूँ। वो चांदी वाला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें गुस्सा लगा था, इसलिए मैंने उसमें कुछ चीज़ बताया नहीं गुस्सा से, लेकिन मैं बाद में बता ही दूँगा। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, आज मैं गंधक के बारे में बढ़िया बात बता रहा हूँ। ये जो गंधक का तेल बनाया था, ये वाला जो गंधक का तेल है, इसको भी मैंने पूरा बताया है। आप लोग शायद वीडियो का कमेंट को पढ़ता नहीं होगा और बात को ध्यान नहीं देता होगा। वीडियो का कमेंट जो होता है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं इसको शायद दो आदमी को शायद वीडियो का कमेंट में इसका फॉर्मूला बताया है, पूरा फॉर्मूला बता दिया मैंने कमेंट में। इसलिए आप लोग वीडियो को भी देखना है और कमेंट को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कमेंट में भी मैं कभी कभी बता देता हूँ। तो ये गंधक का राज सुनिए, गंधक कभी भी आपका दो चीज़ का बिना काम नहीं करेगा, एक तो है नीला तोता और एक है आपका मीठा सोडा। आप नीला तोता और मीठा सोडा नहीं देगा
आपका गंधक कभी काम नहीं करेगा। और तेल अगर बन चुका है आपका, उसमें आप अगर नीला का सफ़ेद भस्म डालेगा तो तेल आपका सूख जाएगा। और फिट ये जो मीठा सोडा होता है, ये मीठा सोडा बेहतर काम करता है। इसमें तो मैंने मीठा सोडा डाला था, तो मीठा सोडा से बेहतर काम होता है। तो आपको ये तेल बनाना पड़ेगा, अगर ये फॉर्मूला करना है तो ये तेल का ज़रूरी है। तो इसमें ये तेल का साथ में लाल फिटकरी और लाल कशिश लाल कशिश, ये दोनों का मैं फॉर्मूला कर रहा हूँ, आप लोग देखते लीजिएगा। ये देखिए ऐसा हुआ है, तो ये जब बन जाएगा तो इससे भी बेहतर आएगा। ये देख लीजिए, इससे भी बेहतर आएगा, ये देख लीजिए। और मैंने तो कहा है मैं शिव गोत्र का आदमी हूँ, भोलानाथ का गोत्र का आदमी हूँ, भोलानाथ जैसा भोला हूँ। अभी गुस्सा है तो अभी मैं ठंडा हो जाता हूँ और मैं बता देता हूँ, और ज़्यादातर चीज़ में छुपाता भी नहीं हूँ, बोल ही देता हूँ। और मैं सब कुछ बोल ही दिया, खोला खोली सब कुछ बोल ही दिया। और इसको होने दीजिए, यह अगर हो जाता है तब तो हो जाएगा काम, इसमें पक्का बनना चाहिए। ये देखिए जैसा हुआ है वैसे ही होगा, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करके आप लोग को इसका पार्ट पार्ट में देते रहूँगा, कहाँ तक हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ पहुँचेगा, मैं बोलते रहूँगा। तो आज का छोटा सा वीडियो था, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।